बस्तर में बन रहे नगर नार प्लांट के निजीकरण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि बस्तर के लोगों की भावनाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार उसे लेना चाहती थी, लेकिन वो भी रास्ता केंद्र ने बंद कर दिया है। सीएम ने कहा कि नगर नार स्टील प्लांट जो NMDC ने बनाया और ये बस्तर के लोगों की भावनाओं से जुड़ी थी, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपनी जमीन इसलिए दी थी कि वहाँ स्टील प्लांट लगेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। नगर नार स्टील प्लांट जो NMDC ने बनाया और बस्तर के लोगों की भावनाएं जुड़ी थी, आदिवासी और वहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों ने जमीन इसलिए दी थी कि वहाँ स्टील प्लांट लगेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों आप सबको मालूम है कि विधानसभा में बात उठी थी और एक संकल्प पारित हुआ था कि बस्तर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यदि भारत सरकार उसे नहीं चलाना चाहती, NMDC नहीं चलाना चाहती, तो छत्तीसगढ़ सरकार उसे लेना चाहती है, लेकिन वो भी रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। अभी नगर नार स्टील प्लांट शुरू ही नहीं हुआ है कि उसकी बिडिंग शुरू हो गई है, 5 कंपनियां आके उसको निरीक्षण करके चली भी गई है। तो एक तरफ उद्घाटन होने की बात हो रही है और दूसरे तरफ बेचने की बात हो रही है। तो जिस प्रकार से भिलाई स्टील प्लांट 1955-56 से चल रहा है और हर साल लाभ दे रही है, तो ये नगर नार स्टील प्लांट भी सार्वजनिक उपक्रम के तहत है। यदि NMDC को अनुभव नहीं है, नहीं चला सकते, तो सेल को दे दे, भिलाई स्टील प्लांट को दे दे, वो लोग चला लेंगे, वहाँ अनुभवी इंजीनियर भी हैं और उसका लाभ मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि बस्तर के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है और उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम बस्तर के लोगों के साथ खड़े हैं, उनकी भावना के सम्मान हम लोग करते हुए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे। बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी छत्तीसगढ़? वो तो क्लास ही ऐसा कर देगा, हम लोग भाग ही नहीं ले सकते, जबकि विधानसभा पारित होके गया है और कई बार केंद्रीय मंत्रियों से मेरी बात हुई कि इसे न दिया जाए बल्कि इसको खुद चलाएं, राज्य सरकार को दे दें, सेल को दे दें, लेकिन चूँकि सारे सार्वजनिक उपक्रम बेचने की तैयारी में है, ये प्रदेश के लिए और देश के लिए भी उचित नहीं है।